मनुष्य के भीतर वह कौन सी चीज है जिसके कारण मनुष्य सुख भी पाता है, यश भी पाता है और उसका सम्मान भी होता है। पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को क्यों माना जाता है, जबकि मनुष्य के शरीर की अपेक्षा हाथी घोड़ा का शरीर बहुत विशाल है, फिर भी मनुष्य का जो स्थान है वो दूसरे का नहीं। इसके पीछे क्या कारण है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मानव, तेरा गुण बड़ा, गुण के कारण तू बड़ा। मनुष्य में जो गुण है, मानवता का गुण, इंसानियत का गुण, जिस गुण के कारण मनुष्य पृथ्वी पर शिरोमणि बनता है। नर के रूप में नारायण भी आते हैं, मानव के रूप में भगवान श्री राम भी आए थे, मानव के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए थे, नर के रूप में सदगुरु कबीर भी आए थे और मनुष्य के रूप में ही रावण भी आया था। गुणों में फर्क है। दो आंख, दो हाथ, दो पैर होने से कोई मानव नहीं होता है। जिसमें मानवता के गुण होते हैं वही मानव कहलाता है। जो विशेष मानवीय गुणों से सुसंपन्न हो जाता है वो महामानव कहलाता है। जो दैवी गुणों से संपन्न हो जाता है वो देव मानव कहलाता है। विचारक कहते हैं कि गुण के ग्राहक सहस्र नर बिन गुण लहाई न कोई। जैसे कागज कोकिला शब्द सुने सब कोई। कौवा और कोयल का रंग एक जैसा है। कौवे के शरीर का साइज बड़ा है, कोयल के शरीर का साइज छोटा है, परंतु कोयल जब बोलती है तो उसके पीछे लोग दोहरा कर बोलते हैं और ध्यान लगा कर सुनते हैं, और कौवा जब बोलता है तो पत्थर का टुकड़ा उठाकर लोग मार देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कौवा की बोली कड़वी है, कोयल की आवाज बहुत मीठी है। एक दिन कोयल ने कौवा से पूछा, चाचा जी, लोगों की छत की मुंडेरी पर बैठते क्यों नहीं हो? कौवा हंसा और बोला कि बेटी, लोगों की घर की छत की मुंडेरी पर बैठकर मैं इसलिए नहीं रेस्ट करता हूं क्योंकि लोगों के घरों में बड़े बड़े कौवा बैठे हैं। अरे, बड़े बड़े कौवा बैठे, कौन कौवा? बोले, स्त्री भी कौवा है, पुरुष भी कौवा है, पति पत्नी भी कौवा है, बाप बेटा भी कौवा है, और दिन भर काँव 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 लगा रहता है। इन बड़े बड़े कौवा के बीच में हम छोटे की कौवा की क्या औकात वहां बैठे हैं? मनुष्य के शोरगुल से, चिड़चिड़ेपन से, घर घर के कोहराम से कौवा भी बैठने में शर्मा जाता है, तुम्हारे घर के पास बैठना नहीं चाहता। याद रखना, आप उस शरीर को प्राप्त कर चुके हो जिस शरीर को भगवान श्री राम ने पाया था, जिस शरीर को भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया था, जिस शरीर को सदगुरु कबीर साहब ने प्राप्त किया था, जिस शरीर को मैंने प्राप्त किया है उसी शरीर को तुमने प्राप्त किया है। लेकिन ये शरीर कहाँ प्रयोग हो रहा है? बुद्धि कहाँ प्रयोग हो रही है? कर्म किस दिशा में हो रहे हैं? पैर किस राह पर चल रहे हैं? दिमाग क्या सोच रहा है? वाणी क्या बोल रही है? कान क्या श्रवण कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी चुनौती, कसौटी हमारे आपके बीच में है। यदि हम अपनी इंद्रियों को सत्कार्यों में प्रवृत्त कर दें, यदि हम अपने जीवन को सत्कर्मों में
ओतप्रोत कर दें, तो याद रखना मानव के रूप में आप महामानव होकर उभरेंगे और संसार में आपके दर्शन के लिए लाइन लग जाए। जीवन तो सबको मिलता है, लेकिन जीने की कला सीखनी पड़ती है। पशु का बच्चा छोटी उम्र का हो लेकिन तालाब में फेंक दो तैर कर निकल जाएगा, लेकिन मनुष्य का बच्चा तो बच्चा, जवान व्यक्ति भी जिसने तैरना नहीं सीखा है उसको तालाब में फेंक दो तुरंत डूब जाएगा। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको सब कुछ सीखना पड़ता है। अभी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, नेतागिरी सीख रहे हैं, डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, इंजीनियर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, सब सीख रहे हैं, लेकिन मरने के बाद सब ऐसे हो जाएगा जैसे बोर्ड पर बहुत लिखा गया लेकिन डस्टर से सब पहुंच दिया गया, अगला जन्म होगा तो फिर से सीखना पड़ेगा। लेकिन जिनके अंदर अहंकार भरा हुआ है वह सीखने के लिए भी तैयार नहीं है। उनके माँ बाप सिखाते हैं, उनसे भी सीखना नहीं चाहते। सीखना वही चाहते हैं जो विनम्र होते हैं, और सीखते वही हैं जो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, और अहंकार वही करते हैं जो बस अब पीछे हटेंगे वह आगे नहीं बढ़ सकेंगे। किसी भी क्षेत्र में आप हों, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे संत समाज का क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, लेकिन विनम्रता का अपना एक विशेष स्थान है। विनम्र व्यक्ति को सभी प्रेम करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं। नम्रता दूसरे के दिलों को जीतने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है। अहंकार दूसरों के दिलों में हार जाने के लिए सबसे बड़ा शस्त्र है। अहंकार होगा तो दूसरे के दिल में स्थान नहीं मिलेगा। सरल बनो, शीतल बनो, कोमल बनो, निर्मल बनो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ज्यादातर लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके मन की दशा देख लो क्या है। निर्मल मन तो छोड़ो, निर्मल खान पान भी नहीं है, निर्मल रहन सहन भी नहीं है, निर्मल चाल चलन भी नहीं है, निर्मल बोल चाल भी नहीं है, आचार विचार में भी निर्मलता नहीं है। भगवान कहां से मिलेगा। संत लोग भजन गाते हैं कि एक भक्त ने भगवान को चिट्ठी लिखा कि कहां तुमको ढूंढूं, कहां तुमको पाऊं, अपना तो एड्रेस बता दो मैं चला आऊं। तो भगवान हंसा और बोला कि तेरे जैसे लोगों को एड्रेस देने लग जाऊं तो मेरी नींद भी हराम हो जाएगी। भगवान तुमसे मिलना चाहता कि नहीं मिलना चाहता ये भी तो पता लगा लो। तुम मिलने के लिए बेताब हो, और मिलकर करोगे क्या ये बता दो हमें, तो तुम यही कहोगे भगवान के पांव छू लूंगा, तो पांव छूने से भगवान को क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा। और इतने लोग पांव छूओगे तो भगवान के पांव की दशा क्या होगी, ये भी तो सोच लो। भगवान ऐसे नहीं मिलता है। भगवान क्या कभी बिछुड़ा है जो तुमको मिलेगा, वो बिछुड़ता ही नहीं। क्या ढूंढ रहे बन बन, वो घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। ताली कौन बजाया है, अंदर अंदर डर लग रहा है। अरे ताली बजाओगे तो मुख्यमंत्री भी खुश हो जाएगा, नहीं मुख्यमंत्री भी सोचेगा आश्रम में आकर ये सब जिंदा लोग मुर्दा कैसे हो गए। हाँ ताली बजाना चाहिए, हंसना भी चाहिए, आनंद आना चाहिए। क्यों ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्यों ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे
बन बने क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है घट घट में समाया है क्या ढूंढ रहे बन बन क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है कहाँ तुमको ढूंढूं कहाँ तुमको पाऊं अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। तो भगवान ने उत्तर दिया, अरे मुझे क्या समझ रखा तुम, मैं पता तेरे को दे दूंगा, ऐसे पता नहीं देता हूँ किसी को, तुझे तेरा पता नहीं मेरा पता क्यों लगा रहा है, अपना पता तो लोगों को है नहीं, भगवान का पता लगा रहा है, स्वयं को जानते नहीं, आत्मज्ञान है नहीं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई हूँ, कौन छू। गुजराती में कहावत छे, उपद्राष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापिक तो देहे अस्मिन पुरुषा पर पुष्पे गंधस तिले तैलम काष्ठे बहिन्नु पयो घृतम इच्छो गुणो तथा देहे पश्चात मानम विवेकता कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनवाहि ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही दुनिया जाने नाही। मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, ये भगवान की ओर से उत्तर आ गया कि मुझको ढूंढने की तुझे जरूरत नहीं है, फालतू मेरे लफड़े मत फंस, क्यों ढूंढ रहा मुझको, क्यों मिलूंगा तेरे को। क्या कहा भगवान ने देखो, मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, तो फिर क्या करूं, जरूरत नहीं, परेशान इतना हूं, हैरान इतना हूं, दुखी इतना हूं, संसार में जी नहीं सकता, तुम मिल जाओ थोड़ा शांति मिल जाएगी। तो भगवान ने उत्तर दिया, मैं कैसे मिलूंगा, मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, अरे फकत अपने मन को निर्मल बना लो, फकत अपने मन को निर्मल बना लो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो, फकत अपने मन को निर्मल बना लो। मन को निर्मल बनाना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि मन ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहाड़े मन के लक्ष्य द्वार, ये मन कैसे निर्मल हो, बहुत कठिन है मन को निर्मल बनाना। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भगवत गीता में पूछा है कि हे भगवान मेरा मन बड़ा चंचल है, भगवान के साथ में रहने वाला अर्जुन भी अपने मन की चंचलता से परेशान हो चुका है। अर्जुन कहता है चंचलम ही मनः कृष्णा परमाथि बलवत् दृढ़म तस्य हम निग्रहम मन्ने वायु रुषो दुष्करम। हे कृष्ण, जैसे वायु को बस में करना कठिन है, ऐसे इस चंचल मन को भी बस में करना बहुत कठिन है। अर्जुन तुम जो कह रहे हो वो गलत नहीं है, परंतु ये भी याद रखना असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। निसंदेह अर्जुन मन चंचल है, सबका चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को बस में किया जा सकता है, और जो मन को बस में कर लेते हैं अविद्या में
जहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बना है वहीं अयोध्या में एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था पलटू दास। अब तो राजनीति में जो इधर उधर पलटी मारे उसको पलटू राम कहते हैं, वो महात्मा का नाम पलटू दास था। अब पलटू और उल्टू सुलटू सब तरह के लोग हैं, तो पलटू दास ने एक बहुत अच्छी बात लिखी चार लाइन की मन के बारे में। सहज कोप पड़े सहज रड़ जुझना, कुएं में कूद कर डूब मरना भी सरल, रण मैदान में युद्ध करते करते मर जाना भी सरल, आग में कूद कर जल कर मर जाना भी सरल, लेकिन सहज कोप पड़े सहज रड़ जुझना, सहज सिंह शिकार अग्नि का कूदना, शेर का शिकार करना भी सहज, सहज सिंह शिकार अग्नि का कूदना कितनों करे हियाओ, बात सब गर्द है, अरे हाँ पलटू मन रखे जो मार सिपाही मर्द है, सिपाही मर्द है। ये पलटू दास का कथन, मन को संभालना बहुत